500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर में भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद उनके प्रभु के लिए कितने भव्य तरीके से मंदिर को तैयार किया जा रहा है। 3 मंजिलों पर निर्मित, प्रत्येक 20 फीट ऊंचा अयोध्या में राम मंदिर के परिसर में 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली को अपनाते हुए गर्भगृह में राम लल्ला की मूर्ति होगी, जबकि पहली मंजिल पर श्री राम दरबार और 5 मंडप होंगे, जिसे अयोध्या का हृदय माना जा रहा है। उसमें आपका स्वागत है। जैसे जैसे राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन नजदीक आ रहा है, एक यादगार क्षण सामने आ रहा है। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के साथ रामलला की मूर्ति का अभिषेक समारोह 16 जनवरी से शुरू होने वाले 1 सप्ताह के अनुष्ठान के साथ शुरू होगा। लेकिन इसी बीच तब क्या हुआ, जब अचानक अयोध्या में प्रकट हुए राम के भक्त सुग्रीव और बाली। दोस्तों, रामायण के ऐसे कई पात्र हैं जिनका श्री राम के जीवन में अहम महत्व रहा है। इन्हीं में से एक थे राजा सुग्रीव। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लगभग लोग ही जानते हैं कि सुग्रीव को उसका राज्य वापस लाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया था। पर क्या किसी को यह पता है कि सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा बताते हैं। ऐसे कथा जिसके अनुसार सरोवर से निकली मोहिनी के बालों से राजा बाली का जन्म हुआ था तथा गले से राजा सुग्रीव का। आइए जानते हैं यह पूरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का कोट था, जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है, वहां तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू की 2 बूंदें गिर गईं, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ से पहुंच दिया। तब एक बार धरती पर गिर गई, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा, तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। इस पर वानर वहीं रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रीछराज वहां से गुजरे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान वहां उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है, तो वह तालाब में कूद गए। परंतु जब तालाब से बाहर निकले तो वह एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुके थे। इसी दौरान इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। जिनकी नजर इस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो वे दोनों मोहित हो गए। इस दौरान इंद्रदेव की मणि सुंदरी के पास जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि वानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसलिए इसका नाम बाली पड़ा। जबकि इसी युवती के गले पर सूर्य की मणि जा गिरी, जिससे एक और वानर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुग्रीव के नाम से जाना गया। हालांकि यह दोनों एक जैसे ही दिखते थे, यही वजह थी कि वध के समय श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हुई थी और उन्हें उसके गले में माला डालनी पड़ी थी। कथाओं के अनुसार इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया। कहा जाता, इन दोनों वानरों की उत्पत्ति के बाद युवती दोबारा रीछराज में बदल गई। इसलिए कहा जाता है रीछराज ही बाली और सुग्रीव की माँ और पिता हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों के झुंडों का दिखना, जमीन में से माँ सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और कुश अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए? मित्रों, राम जी से मिलने पहुंचे उनके दोनों पुत्र लव और कुश। क्या लव और कुश आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्य से आज पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और इसी के साथ बताया जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा नगाड़ा पहुंच चुका है और वही गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्तों ने 21 कुंटल का घंटा भी मंदिर में पहुंचा दिया है। वही मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है।
वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुरवासी अयोध्या ला रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा, राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान भेज रहा है, तो कोई खड़ाऊ, तो कोई वस्त्र भेज रहे हैं। अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए आगे हम वीडियो में बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे लव कुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय बेटे व पुत्र लव कुश कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी जल समाधि के लिए गए तब उन्होंने लव कुश को अयोध्या का राज्यपाल सौंप दिया था। ऐसे में लव कुश का अपने पिता की जन्मभूमि पर प्रकट होना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखना सच में चौंकाने वाली बात है। वही बताया जा रहा है कि रावण का वध विभीषण ने ही करवाया था। राम जी ने वध करके लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण की भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज्य सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित है। आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन माधव नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब माधव अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वह अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। माधव यह नजारा देखकर दंग रह गया।
इसके बाद माधव अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग माधव की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन माधव जानता था कि उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए वह दिव्य पुरुष आखिर थे कौन, क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है, और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले है हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी पूरी संभावना यही है कि माधव ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवियों में से एक है। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वह सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो चुकी है। रामनगरी में 11,000 से ज्यादा VIP मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्ण नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और उसके इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों के बलिदान के प्रति आप श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ सेक्युलर हिंदुओं के लिए अपनी राय जरूर रखें, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी तरफ से आप सभी को जय श्री राम।